फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह फैंसी ज्वेलर्स पर कोटा सा। एमपी में 13 साल के मासूम अनिकेत लोधी का अपहरण कर पहले फिरौती मांगी और फिरौती ना मिलने पर मासूम की हत्या कर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सानुदा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। वहीं सागर टीवी न्यूज के पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें किडनैपर बच्चे के परिजन से फिरौती मांग रहे हैं और बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ तो बताओ कैसे कहाँ पहुँचाना है? पहले बच्चे से बात करवाओ, तुम्हारे बच्चे से ही बात हो जाएगी। नहीं तो पैसे में नहीं नहीं मैं ऐसे किसी पैसे पहले बच्चे से बात करवाओ ना। पहले बच्चे से बात करवाओ। दो घंटे में कहीं तुम पैसे नहीं पहुँचाए तो तुम्हारी बच्चे की लाश मिलेगी। अरे तो मैं बोल रहा हूँ पैसे दे रहा हूँ, पहले बच्चे से बात। हेलो हेलो हाँ भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो? भेज रहे हैं, बताओ कहाँ ले आना है। तो मैं कितनी बार बताएं? तो बता तो पहले बच्चे से बात तो करवाओ। तुम्हें तुम्हारा लड़का तो अंतर नहीं जाएगा बोल दिया ना। तो कहाँ पर लेके आने, जगह के नाम तो बताओ भैया। सागर लेके आओ। कहाँ? सागर। सागर कौन सी जगह बताओ? हम तो मैं जगह बता देंगे, तुम लेकर आओ पहले। चलो ठीक है लेके आ रहे। ठीक है यदि पुलिस ने तो लगाया फोन तो सीधे मार डालेंगे बच्चे को। पहले बच्चे से बात तो करवाओ। तुम्हारी फर्स्ट बार घर पहुँच आते आएंगे तुम्हारे बच्चे को। अरे पहले ऐसे कैसे हम विश्वास कर लेंगे बच्चे तुम्हारे पास, बात तो करवाओ। बच्चे नहीं करो विश्वास तो वैसे लाश मिल जाएगी, देख लेना। आओ आ रहा है रास्ते में। ये बोलो गमौरी के गड्ढे पे आ जाना। जी जी आ रहा है आ रहा है गमौरी के गड्ढे। ठीक है आओ अब तो बात करवा दे यार गड्ढे पे। आओ ठीक है यार अब तो बात करवा दे। तुम्हारी बात हो जाएगी घर पहुंच जाएगा कहीं सलाम पहुंचेगा। हाँ ठीक है ठीक है। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह फैंसी ज्वेलर्स पर कोटा सागर। खूबसूरती का एक अलग अंदाज जो बनाए आपको और भी खास, हर वो नजर जो पड़े आप पर बस ठिठक सी जाए, दिल मचल कर कह उठे तुम हो कोई आफताब। फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी, सोने से कम नहीं, खोने पर गम नहीं।